अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से वीरेंद्र। वीरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सिस्टर। नमस्कार गुरु जी नमस्कार। वीरेंद्र जी का स्वागत बहुत बहुत। गुरु जी पहले तो ये बताइए गुरु जी आप कहाँ चले जाते हो? हमारा तो बिल्कुल यही दिल नहीं लगता। सही पूछे ना, इतने दिन दिखते ही नहीं है बिल्कुल भी। है गुरु जी तबीयत तो ठीक है गुरु जी अपनी? हाँ बहुत अच्छी तबीयत है। हाँ गुरु जी बहुत ही इतना वो लगता है गुरु जी, क्या बताए आप, मत जाया करो, एकदम ऐसा लगता है जैसे मझधार में छोड़ दिया हो, बिल्कुल दिल्ली नहीं लगता बिल्कुल भी। अच्छा गुरु जी कुछ सवाल है थोड़े। गुरु जी मैंने पहले एक बार आपको बोला था ना, ये मम्मी जी के लिए बताया था वो गर्भाशय में जो बताया था, तो अब वो गर्मियों में ज्यादा प्रॉब्लम करता है गुरु जी। सर्दियों में तो उन्होंने लेती नहीं है दवाई, आपको बता ही रखा मैंने पहले, बहुत कम लेती है। तो अब गर्मियों में बड़ी प्रॉब्लम होती है गुरु जी, उनसे ब्लड भी आने लगता है। मैंने आपको पहले बताया था थोड़ा सा, सर्दियों में ठीक रहता है लेकिन गर्मियां बहुत परेशान हो जाती है गुरु जी। इसके लिए आपने बताया था नमक जैतून बताया था गुरु जी, ठीक है ना? इसके लिए फिर यही दे या कुछ और भी है गुरु जी? अब क्यों आप देंगे उनको, बहुत प्रॉब्लम होती है गुरु जी। तो फिर एक ये मखाना और ये खसखास एक ही चीज होता है क्या, सफेद मखाना और खसखास गुरु जी? अच्छा ठीक जी। और अभयरिष्ट क्या होता है गुरु जी और किस बीमारी में काम आता है? कौन सा अभयरिष्ट? अभयरिष्ट हाँ जी। और ये क्या जैतून का हम जो सिरका होते हैं ये क्या अचार के रूप में भी डाल सकते हैं? अचार जैसे डालना होता है घर में तो उसमें डाल सकते हैं गुरु जी सिरका जो? ठीक है ठीक। धन्यवाद गुरु। हाँ जैतून का सिरका अचार में मिला लेते हैं, और जैतून का सिरका खुद अचार या चटनी के तौर पर इस्तेमाल होता है और वो स्वादिष्ट तो होता है आपको पता है, तो आप इसमें मिला सकते हैं। और क्या सवाल है? उनकी मम्मी को प्रॉब्लम है गर्भाशय की, उसी को लेकर। अच्छा देखिए, अगर ब्लीडिंग होती है और किसी सूरत नहीं रुकती तो इन्फेक्शन से है तो नमक जैतून दे सकते हैं, और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो रुकता नहीं है तो किसी भी वजह से, तो फिर आप गौंद चिलगोजा एक चुटकी दे सकते हैं, उससे वो ब्लड रुक सकता है जी। फिर हमारे साथ हमारे जो अगले कॉलर जुड़े हैं वो है हरियाणा से बलवान सिंह। बलवान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। किंग साहब से बात करवाई? जी आप बात कर रहे हैं? जी बात हो रही है, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। सर मेरी मिसिज है, उनकी एज है 55 साल, और उनके जो है ना कमर में और पैरों में दर्द रहता है कई सालों से। ठीक है। और मैंने गोंसिया मंगाया है आपके यहाँ से। जी 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 जी। तो गोंसिया मेरे पास पहुंच गया, तो उसका लेने का क्या तरीका है, कितनी मात्रा में ले और परहेज क्या करें? ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। जो देखिए गोंसिया आधा ग्राम यानी दो चुटकी, ऐसी चुटकी दो या एक काबली चने के बराबर, एक बड़ा वाला चना होता है ना उसके बराबर ले, आधा ग्राम समझ लीजिए, नाश्ते के बाद पानी या दूध से ले, और फिर रात को खाने के बाद पानी या दूध से ले। परहेज ये है कि सब कुछ खा सकते हैं लेकिन झाड़ू पोछा ना करें, और ऐसा जो कुर्सी वाला शौचालय होता है वेस्टर्न टॉयलेट उसका प्रयोग कराएं जब तक उनका इलाज चल रहा है। झाड़ू पोछा भी ना करें और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें। खाने पीने का कोई परहेज नहीं है, वजन नहीं उठाए तो बहुत फायदा मुमकिन है। चलते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ जो जुड़े हैं हमारे साथ। बाबू बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी हमारा एक सवाल था जी कि हमारी कूल्हे में दर्द रहता है पिछले हिस्से में जी, और हमारी तले पूरी टांग में रहता है बाई टांग में, तो इसके लिए दवाई पूछ रहे थे कि क्या करना है, क्या दवा है या नहीं जी। आपके बाई टांग में क्या रहता है? दर्द रहता है, दर्द कूल्हे से लेकर और नीचे पैर तक। ठीक है। आपकी उम्र? उम्र है लगभग 55। ठीक है। चलो देखिए, एक तो वजन बिल्कुल ना उठाएं, ये दो बातों का ख्याल रखें खास।
वजन बिल्कुल नहीं उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट एक कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें। ये दो बातें बहुत ज़रूरी है और इसकी दवा हो सकती है, लेकिन इन दो बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक आता है काला गोंद, इसे गोंद स्याह भी कहते हैं, और ये नकली बहुत मिलता है, आपको असली लेना है। ये 15-16 रुपए में 1 ग्राम आता है, ये 1 ग्राम के दो हिस्से करिए, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद पानी या दूध से ले लीजिए और आधा ग्राम रात को खाने के बाद पानी या दूध से ले लिया करिए। लगातार अब 2-3 महीने अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं और हिदायत पर भी अमल करते हैं तो आपका ठीक होना मुमकिन है। इस बीच हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं पठानकोट से, सुषमा। सुषमा जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, मेरे 2-3 सवाल हैं जी। सर मेरा एक बेटा है, उसकी है ना एडी के ऊपर थोड़ा सा जो ये एंकल होता है उससे एक थोड़ी सी गांठ है, और उसके लिए हमने उसका वो अल्ट्रासाउंड भी करवाए, MRI भी करवाई, वो हड्डी के साथ नहीं है, वो ऊपर वाली स्किन में है, और वो डॉक्टर ने उसका थेरेपी भी की पर वो उसको ठीक नहीं हुई। एक ये है, और दूसरा मेरी बहन है वो उसको टाइफाइड रहता है, वो पहले 7-8 साल पहले उसको टाइफाइड हुआ था और वो 4-5 महीने बड़ी बीमार रही थी, उसके बाद वो अब ठीक है, पर अब उसको क्या होता है 6 महीने के बीच उसको टाइफाइड हो जाता है दोबारा, पर जब मतलब उसको बुखार नहीं होता, अब बुखार नहीं होता, सिर्फ उसके क्या होता है हड्डियों में दर्द होती है, जब वो टेस्ट करवाते हैं तो उसको टाइफाइड आता है, तो उसको पेट के लिए हम वो आपके वो 6 जो पाउडर है वो 6 चीजों का पाउडर बना के और जैतून नमक वो भी दे रहे हैं उसको। तो तीसरा ये है कि जो मैं तो आपका शाह गोंद वो खा ही रही हूँ, मुझे तो उसके साथ काफ़ी फर्क था, अब मैंने दूसरी बार फिर मंगवा लिया, वो खा रही हूँ और बच्चों को भी वो दे रही हूँ गोंद मरिंगा। तो सर वो अब मेरी क्या है कि जो मेरी बिल्कुल वाइट है, माफ कीजिए, जीभ जो है मेरी वो वाइट है, मतलब पिंक कलर में जीभ नहीं है मेरी, और जैसे काफ़ी उसमें जैसे मैं कोई बात करती हूँ तो लार वो बाहर टपकती है। ठीक है। हाँ जी। गोंद स्याह से तो आपको भगवान ने फायदा दिया और दूसरे लोगों को भी फायदा आपको धीरे धीरे होता जाएगा। अच्छा, जीभ अगर आपकी वाइट है तो ये जो खाने का सोडा है ना, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, एक चुटकी, और अपने हाथ पे ऐसे रखें और ऐसे दांतों पर ऐसे मालिश कर लें मसूड़ों पर, और फिर उसके जो लार आती है उसे थूक दें चाहे तो, लेकिन कुल्ली नहीं करें, रोज़ाना एक बार ऐसा किया करें तो आपकी जीभ में भी फ़ायदा होना मुमकिन है जी। साथ ही इनके जो बेटे हैं उनके एड़ी के पास गांठ बन गई है। देखिए, अगर कोई तकलीफ नहीं है तो उसे छेड़छाड़ ना करें, और कोई तकलीफ है तो फिर उस बच्चे को भी गोंद स्याह दे सकते हैं, और उस गांठ को खुश्क भी किया जा सकता है, गोंद चिलगोजा एक चुटकी रोज़ाना देकर, लेकिन ये देखें कि उनको तकलीफ़ है कि नहीं है, अगर तकलीफ़ नहीं है तो कुछ भी ना कराएं, वो कभी कभी अपने आप ही अच्छी हो जाती है जी। साथ ही इनकी बहन है जिन्हें टाइफाइड हुआ था, वो ठीक हो गया है, लेकिन रह रहकर जो उसके साइड इफेक्ट्स है या बार बार भी टाइफाइड हो रहा है उन्हें, तो वो जो 6 चीज़ों का आप उनको सफूफ या पाउडर बना के देती हैं, जो उसमें अलसी भी मिला लें 100 ग्राम, और फिर वो आप उन्हें देंगे तो उनको और जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है जी। इस बीच हमारे साथ हमारी अगली कॉलर जुड़ गई है रामपुर से, मलीना। मलीना जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ मैं थोड़ा। जी, आपकी बात हो रही है। बात हो रही है आपसे, मैं हाजिर हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी जो काला गोंद मैंने लिया तो मुझे तो फायदा मिला, और आपकी अलसी और मतलब खाने की छोटा जैतून की नमक ये भी चल रहे, गोंद मरिंगा बालों के लिए भी चल रहे, मुँह के स्किन के लिए,
तो डॉक्टर साहब मुझे एक शिकायत है, मुझे हाथ पैरों में आग है बहुत, और दूसरा दूसरा है ये दाढ़ों पे ठंडा पानी लगती है और तकलीफ भी होती है, और ऐसा लगता है दाढ़ों की जो जड़ है वो खाली हो गया। तो इसके लिए डॉक्टर साहब और कोई उपाय हो तो थोड़ा बता दीजिएगा। और बाल जो आपने कहा रूखी बालों के लिए और खुश्की के लिए घी लगाना चाहिए, तो ये बड़े बड़े कहते हैं जो घी लगाने में बाल सफेद हो जाती है, तो डॉक्टर साहब ये बात ठीक है क्या? ये तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं बालों के लिए रूखी बालों के लिए घी और खुश्की के लिए घी लगा सकती हूँ, और मुझे कौन सी शैम्पू लगाना ठीक है? और डॉक्टर साहब एक बात और है, मेरे भाभी है, एक ही भाभी है, ब्रेन स्ट्रोक है, तो इतने हाई है उनकी, मगर वो दवाई कर रहे हैं कोई आराम नहीं मिल पा रहा है डॉक्टर साहब, तो बहुत सी दवाई ले रहे हैं मगर कुछ दवाई लेती है तो आराम होती है, जब छोड़ देती है तो आराम होती है। जी मलीना जी, यहाँ आपकी आवाज साफ नहीं आई, आप परेशान मत होइए, आपकी परेशानी का हल आपको यहाँ मिलेगा। आपकी भाभी को क्या परेशानी है? उनकी ब्रेन स्ट्रोक है। ब्रेन स्ट्रोक? जी ठीक है। हाँ, तो वो दवाई ले रहे हैं तो कोई आराम नहीं हो पा रही है, और दवाई बहुत महंगी है, हालत सही नहीं उनकी, मतलब परिवार की जो कमाई धंधा कोई इतनी नहीं है, तो हम चाहते हैं डॉक्टर साहब इस ब्रेन स्ट्रोक के लिए, मतलब उनकी सिर में मतलब को भी कहता है मोटरसाइकिल आवाज हो रहा है, को भी कहता है ट्रक की, को भी कहता है बस की, मतलब सिर के अंदर इतनी आवाज होती है जो पागल हो जाता है, ऐसी लेट ही रहती है, तो ठीक है अगर जब उठ के तो बहुत परेशान होती है, तो डॉक्टर साहब इस ब्रेन स्ट्रोक के लिए आपकी कोई दवाई हो तो मुझे बता देंगे तो डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी होगी। जी, सारे सवाल लिखे हैं इनके, सबसे पहले इसी का इलाज सुन लीजिए कि ऐसे बैठना है उनको मेरी तरह, और ये कान ये मोढ़े से उनके शोल्डर से मिलाएं, और ऐसा मिलाते रहें 3 मिनट तक। अच्छा, एक साथ नहीं मिला सकते तो पूरे दिन में 3 मिनट ही एक्सरसाइज करनी है ये वाली, ऐसे, और 3 मिनट ही एक्सरसाइज, ये पूरी तरह मोड़े, देखिए मैं ये ठोड़ी यहाँ से मोड़ के यहाँ तक ले आता हूँ ऐसे, ये भी 3 मिनट करें, ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है, ज़रूर करें। और नमक जैतून 1 चुटकी, खाने का सोडा 1 चुटकी, पानी में मिलाकर रोज़ाना 2 बार पिलाएं, आपकी ये अजीज़ा आपके रिश्तेदार को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, साथ ही ये जो मलीना खुद हैं उनके हाथ पैरों में दाग है, उसके लिए वो यहाँ पर कोई उपाय जानना चाहती हैं। दाग है? जी। अच्छा, देखिए अगर सफ़ेद दाग है तो उसका इलाज बहुत लंबा है, साल भी लग सकता है, तो सफ़ेद दागों के लिए एक तो ले आंवला का, आंवला सूखा मिलता है 100 ग्राम ले लें, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम बापची, बापची एक दवा का नाम है जो खुशबूदार होती है मेथी की तरह, और 100 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद, इन सबको लेकर पाउडर बना लें, और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खाने से आपका ये रोग काफ़ी दिन में जाके फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, साथ ही इन्हें दांतों में भी परेशानी रहती है, दाढ़ में इन्हें दर्द रहता है, ठंडे गर्म की इन्हें परेशानी है। हाँ, ये पेट्रोल होता है ना, या स्प्रिट या पेट्रोल, ये कॉटन में मिक्स लगा कर भिगो कर और ऐसे अपने दांतों पर अंदर ऐसे लगा कर और मुंह ऐसे लटका के बैठ जाया करें, तो जो भी गंदगी और इन्फेक्शन और कीटाणु होंगे वो मर जाने चाहिए। दिन में 1 बार करें और 4-5 दिन करें, तब आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। साथ ही एक और सवाल था इनका, जो इनके बाल हैं वो काफ़ी रूखे हो गए हैं, रूसी की परेशानी है, किसी ने घी लगाने की सलाह दी है बट बहुत से लोग कह रहे हैं वो लगाने से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो वही वो जानना चाहती हैं क्या वाकई में ये बात सच है। देखिए, घी लगाने से बाल सफ़ेद होने का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, अब लगाने से अगर बाल सफ़ेद हो जाए तो खाने से क्या हाल होगा, तो घी तो अच्छी चीज़ है,
और इसे आप लगा सकते हैं रूसी के लिए, ये फौरन फ़ायदा करता है। जैसे आज आपने लगाया तो अगले दिन आपको आधा फ़ायदा हो जाता है। तो ये घी लगा सकते हैं, बाल इससे सफ़ेद नहीं होते। हाँ, आपके अगर डाई लगी होगी और आप घी या तेल लगाएंगे तो डाई छूट जाएगी, तो वो तो बाल सफ़ेद नज़र आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके बाल ठीक हैं तो आप इस पर ये घी लगा सकते हैं। साथ ही ये शैम्पू के बारे में भी जानना चाहती है, किस तरह का शैम्पू इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, शैम्पू सबसे ज़्यादा नुकसान देते हैं। अगर केमिकल, और केमिकल्स में भी जो कपड़े धोने का सोडा मिला होता है उसमें कास्टिक जो मिली होती है वो ख़तरनाक है। जो कास्टिक डिटर्जेंट केक में होती है कपड़े धोने के, वही ही डाल देते हैं उसमें। तो सादा साबुन से आप इस्तेमाल करें, सादा साबुन, मामूली साबुन इस्तेमाल करें, कुछ दिन आप देखेंगे कि आपके बाल खूब अच्छे हो सकते हैं।